बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरनगर से। राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी यूपी से भाईचारा सम्मेलन का आगाज। मुजफ्फरनगर के खतौली से आरएलडी का भाईचारा सम्मेलन अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की रविवार को दिल्ली में मुलाकात हुई है। 2022 के चुनाव में नया समीकरण तैयार कर रही है आरएलडी। जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सैनिक, कश्यप सभी समाज को साथ जोड़ने की कोशिश भी है आरएलडी की ओर से। खतौली इलाके के श्रीराम गार्डन बैंकेट हॉल में ये सम्मेलन होगा। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संकल्प, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो मिशन मोड में आ गई हैं आगामी चुनाव को लेकर, मिशन 2022 को लेकर, और इसी क्रम में आरएलडी की ओर से भाईचारा सम्मेलन, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन मोड में हैं और कहीं ना कहीं सभी जातियों के आधार पे अब जो है समीकरण बनाना शुरू कर दिए गए हैं, उसी आधार पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी के क्रम में रालोद का ये जो भाईचारा सम्मेलन है इसको देखा जा रहा है। और हालांकि अखिलेश यादव की जब मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई, और इसके साथ ही सबसे अहम उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय समीकरण माना जा रहा है, जो कि अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों को रिझाने की बात हो या फिर दलित वोट बैंक की बात हो, सभी पार्टियों की अपनी अलग अलग रणनीति है इसको लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं रालोद की और समाजवादी पार्टी का जो ये मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ में, इसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही मुद्दों के साथ में आ सकती हैं, और इसके साथ ही ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कोई भी पार्टी किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में बात की जाए बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, रालोद हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी दल अपने अपने तरीके से जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये भाईचारा सम्मेलन अहम तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि आगामी चुनाव को लेकर कोई भी दल किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है किसी भी जाति के वोट बैंक को रिझाने के लिए। बिल्कुल, और वो देखने को भी मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका संकल्प, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ललितपुर से एक बड़ी खबर, छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है। महिला को बंधक बनाकर पीटा गया है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 3 दिन बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी इलाके में रोष का भी माहौल है। बाढ़ थाना इलाके के धमना गाँव की वारदात है। महिला रात करीब 8 बजे घर लौट रही थी, तभी गांव के ही 2 युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला ने छेड़खानी का विरोध किया और आरोपियों को चप्पल मार दी। इसके बाद युवकों ने महिला को पास के स्कूल में ले जाकर पीटा। हम लोगों के संज्ञान में आया है और उस महिला को पुलिस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया था और उसकी सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और जो भी और तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उस अनुरूप इसमें भी और धाराएं भी बढ़ा दी जाएंगी। इसकी विवेचना जारी है और अभियुक्तों की तलाश जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तारित करने के लिए निर्देश। बड़ी खबर लखनऊ से, गैंगस्टर अजमत अली की 254 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। सपा सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल के पिता हैं अजमत अली। मड़ियाम थाना क्षेत्र के गहला गांव में रहता है अजमत अली। जो जानकारी उसके अनुसार अजमत अली पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है। अपराध से बनाई गई संपत्ति को भी यहाँ पर कुर्क किए जाने की खबरें सामने आ रही है। योगी सरकार लगातार ऐसी कार्रवाइयां कर रही है और इसी क्रम में अवैध रूप से जिस तरीके से अतिक्रमण यहां पर किया गया है उस पर प्रशासन का डंडा चला। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विवेचक द्वारा दी गई आख्या के क्रम में संबंधित अभियुक्तगण अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2,54,45,02,951 रुपये आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया।